अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चे हम लोग का साथ सब कुछ है। अब क्या बात करते हैं, हम तो खाली याद कराते हैं कि पहले से कितना बिहार के हित में काम किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तेजस्वी प्रेम एक बार फिर से जगा है। दरअसल बीजेपी से प्रेम जगाकर नीतीश कुमार की काफी फजीहत हुई है। मुख्यमंत्री को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। आज भी मुख्यमंत्री जब मुख्य सचिवालय पहुंचे थे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत में यही बातें दोहराई। बगल में खड़े तेजस्वी यादव के पीठ पर हाथ रखकर कहा, अभी बच्चा है, अब तो सब कुछ इन्हीं लोग के लिए करना है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह बातें तब कह रहे थे जब वो मीडिया से आहत थे। अपने बयानों को तोड़ मरोड़ के चलाए जाने का आरोप लगाकर नीतीश यह बातें कह रहे थे। नीतीश कुमार ने याद दिलाई कि जो लोग बीजेपी के साथ उनके रिश्ते की बात कर रहे हैं उनको याद होना चाहिए कि तेजस्वी यादव के पिता और जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं उनके लिए हमने क्या कुछ किया है। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर साफ कहा कि अब हम इनके साथ खड़े हैं, ई बच्चा के साथ खड़े हैं और ई बच्चा के लिए ही सब कुछ करना है, यानी अब इन सब के लिए कुछ करना है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कई दिनों के बाद इस तरीके से अपनी बातें रख रहे थे। दरअसल जब से महामहिम के कार्यक्रम में नीतीश कुमार गए और वहां के बयानों के बाद मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जा रहे हैं, बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार को जो चाहे कह ले, उनके लिए दरवाजा बंद है। अब नीतीश कुमार को लग रहा है कि ऐसे बातों पर सफाई नहीं दी जाएगी तो गठबंधन के अंदर विवाद छिड़ेगा। राजद ने पहले ही एतराज जता चुका है कि मुख्यमंत्री अगर बीजेपी से स्नेह की बात करेंगे तो आगे रास्ता मुश्किल होगा। फिर क्या था, नीतीश कुमार ने यू टर्न मारते हुए तेजस्वी यादव के लिए ही सब कुछ करने की बातें कह डाली। मुख्यमंत्री सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अभी बच्चा सबके साथ हैं और ये बच्चा सबके लिए ही सब कुछ करना है। अलग अलग व्यक्तिगत दोस्ती सब कुछ है। अब क्या बात करते हैं, हम तो खाली याद कराते हैं कि पहले से कितना बिहार के हित में काम किया गया, सब याद रखिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। हम कह के लिए कहीं किसी को कह रहे हैं, हम आपने बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि आप प्रेशर कर रहे हैं, सोशल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अलग अलग हम लोग अलाउ कर रहे हैं, प्रेशर मांग रहे हैं, दबाव बना रहे हैं आरजेडी पे। अब आप आज भी हम जितना बोल रहे हैं इसको नहीं छापिएगा, आप तो कुछ और छापिए। सुनो, कह रहे हैं कि आज हम आखिरी दिन आप लोगों से हम बतिया रहे, हम आगे छोड़ देंगे। सर ऐसा नहीं, नाराज कह के लिए हम लोग टीवी वाले, हम नहीं नाराज हैं, हम कह के लिए नाराज हैं। आप लोगों पर कब्जा ऐसा कर लिया है कि हम कुछ बोलते हैं उसको नहीं, हाँ उसी में उल्टा पुल्टा कोई चीज चलाता है। और फिर दोबारा भी हम यहाँ बोल दिए थे, आज आप पूछ दिए तो हम आपको कह दिए, हम वैसा कुछ नहीं बोले थे। आप जरा ले लीजिए जो आपके अधिकार वहाँ पर था, उसे पूछ लीजिए बेचारे से, मेरा भाषणमा ले लीजिए। भाषण क्या था, अरे हम बोल रहे थे, हम कोई ऐसा भाषण नहीं, हम तो याद कराते हैं लोगों को कि अपने अपने बिहार के लिए कितना काम किया गया, कितना अच्छा जगह, हम जगह का प्रतिष्ठा देते अखबार वाला, इसीलिए सब बात थी, हमने कोई पार्टी वार्टी की बात नहीं की थी, हम तो बिहार के हित में बोल रहे हैं, कितना अच्छा काम बिहार में हो रहा। अब बोल दीजिए जगह कैसी, आज भी आप सुन रहे थे भाषण, अलग अलग का महात्मा गांधी शुरू किए, सब वहाँ भी बता दिए थे, यहीं से उन्होंने शुरू किया था 17 में। अब समझिए कितना बड़ा चीज हुआ, और मात्र 30 साल में देश आजाद हुआ, तो जो कुछ भी किए थे बिहार में वहीं से चंपारण इलाके से और देश भर आजाद हुआ, ये सब हम सबको बता रहे थे। ये सब कुछ सब छापे हैं आप लोग, कुछ नहीं कोई छापेगा। हम कह देंगे कि भाई आप, अरे हम कह रहे थे भूलो मत, याद करो। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे, कैसन बा, ठीक बा। जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरिमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं, पैनोरिमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी।
तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।